स्टूडेंट, आज हम अपनी संधि जो रह गई थी स्वर संधि, आज अपनी स्वर संधि पूरी हो जाएगी। तो स्वर संधि में अयाति के बाद में आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? एंग है पदांता दति, एंग है पदांता दति। अब इसका अर्थ क्या है? एंग है, एंग है का अर्थ होता है ए और ओ वर्ण। एंग का अर्थ क्या होता है? ए और ओ। अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या, कि जब जब ए ओ के बाद, यानी प्रथम पद में ए ओ के बाद ऋष्व ए हो, ऋष्व क्या हो? ए हो, तो पूर्व व पर पद के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तथा का जो द्वितीय पद में ऋष्व ए आता है, इस ए का अवग्रह चिन्ह लग जाता है। अवग्रह चिन्ह का निशान होता है ये ऐसा, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। इसकी परिभाषा दोबारा देखते हैं कि जब ए ओ कहा कि ये दो पद है, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, कि इस प्रथम पद में या तो ए वर्ण हो या ओ वर्ण हो, दोनों में से एक वर्ण हो, और द्वितीय पद में क्या हो? ए हो। द्वितीय पद में क्या हो? ऋष्व ए हो, तो पूर्व रूप आदेश हो जाता है। पूर्व रूप आदेश कैसे? जैसे ए और ओ, बाद में ऋष्व ए, ये अपना क्या है? सूत्र है। एक परिभाषा देती हूँ, जैसे प्रधन एजते, प्रधन एजते, ये दूसरी संधि का उदाहरण है। अंते अपि। अब इससे अपने सूत्र परिभाषा को समझते हैं क्या, कि हमारी परिभाषा क्या कह रही है। पूर्व रूप संधि कहती है कि प्रथम पद में या तो ए होगा या ओ होगा, और बाद में ऋष्व ए होगा। ये ऐसा होने पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। जैसे देखो, ये है प्रथम पद, इस प्रथम पद के अंत में या तो ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए, ओ नहीं लेकिन ए है, और बाद में द्वितीय पद में क्या होना चाहिए? ऋष्व होना चाहिए। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाता है। तो ए आदेश हो जाने के बाद में इस ये जो ए बचेगा, इस ए का अवग्रह चिन्ह लग जाता है। जैसे हम मिलाते हैं इनको, अंते का अंते रह गया, क्यों? क्योंकि हमारी पूर्व रूप संधि कहती है कि प्रथम पद में ए ओ हो और द्वितीय पद में ऋष्व ए हो, तो पूर्व रूप आदेश यानी पहले का पहले जैसा का जैसा ही रह जाता है। तो ये रहा अंते। अब ये ए है, इसका अवग्रह चिन्ह लग जाता हो और पी का पी आ जाता है। जैसे ते अत्र, दूसरा उदाहरण लेती हूँ, ते धन अत्र, वही पूर्व रूप संधि क्या कहती है कि ए और ओ में से दोनों में से एक वर्ण होना चाहिए। तो हमारा यहाँ क्या है? ए है, और बाद में द्वितीय पद में ऋष्व ए होना चाहिए, तो ऋष्व ए है। तो ये तो यहाँ ऐसा कैसे रहेगा, और इस ए की जगह क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह लग जाता है। जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ते आत्र। एक है मैं अंति के, मैं अंतिकम, वही ए आ रहा है, ए में ए ऐसे में ऐसे कैसे रह जाएगा, और इस ए का अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, तो मैं अंतिकम बन जाता है। अब हम ओ का उदाहरण लेते हैं। ओ में क्या होता है? जैसे विष्णु अत्र,
विष्णु धन अत्र। अब इसके प्रथम पद में ए नहीं लेकिन ओ है, तो इस ओ का क्या होगा, पूर्व रूप आदेश ऐसा का ऐसा रह जाएगा और इस ए का क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। तो इसमें बनेगा क्या, विष्णु, क्योंकि ये ऐसे का ऐसे रहेगा। पूर्व रूप संधि कहती है कि प्रथम पद में ए ओ हो और द्वितीय पद में ऋष्व ए होता है, तो पूर्व रूप आदेश मतलब ये ऐसा का ऐसा रहता है और ये जो ए हो है इसका क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। जैसे रामो असत, रामो स संधि भी छेद करके बताती हूँ, राम है रामो धन रामो एवदत, या ए हसत भी हो सकता है, एवदत भी हो सकता है। अब ये ओ का ओ है, ओ का पूर्व रूप का पूर्व रूप होगा और इस ए का क्या लग जाएगा, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा और एवदत का वदत। एक ये हरदम आता ही रहता है, को अपी, हरदम आता ही रहता है को अपी। अगर दो तरह से वक्त ये आते हैं हमारे प्रश्न, एक तो संधि विच्छेद किया हुआ और एक समस्त पद का, तो जैसे ऐसे आ जाए को धन को अपि, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे कि इसमें क्या है, ओ है और ये अवग्रह चिन्ह है, मतलब को धन अपि। इसमें एक संधि और होगी जो हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे कि इसका ये चिन्ह है, जो ये अवग्रह चिन्ह है, या तो ये पूर्व रूप संधि में आता है और या एक विसर्ग संधि है उत्तु संधि उसमें आता है, लेकिन उसका नियम अलग है। वो कैसे होगी, वो जब वो विसर्ग संधि पढ़ेंगे हम तब बताएंगे। तो पूर्व रूप एक बार दोबारा देखना, पूर्व रूप संधि क्या कहती है कि एंग है पदांतादि कि पद के अंत में क्या हो, ए ओ हो और बाद में द्वितीय पद में क्या हो, ऋष्व ए हो, तो पूर्व और पर मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है और जो ये ए बसता है इसका अवग्रह चिन्ह लग जाता है। ये आपकी पूर्व रूप संधि हुई। अब आती है इसी में एक और पर रूप संधि, पूर्व रूप के बाद में आती है पर रूप संधि, पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र क्या है, एंगी पर रूपम, ये क्या है, एंगी पर रूपम पर रूप संधि का उदाहरण सॉरी सूत्र है। अब देखो पूर्व रूप संधि की जस्ट उल्टी है, क्या पूर्व रूप में तो प्रथम पद का वैसा का पूर्व रूप आदेश हो रहा था और पर रूप में क्या है कि पर रूप ऐसा का ऐसा आदेश हो जाता है। एंगी का अर्थ होता है वही ए और ओ दो वर्ण, एंग का अर्थ होता है महेश्वरी सूत्रों में एंग का अर्थ होता है ए और ओ दो वर्ण, पर रूपम यानी बाद वाला क्या हो देश आदेश हो जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो इसमें एक पहले क्या लगेगी, एक शर्त लगेगी क्या कि जब अकारांत 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 उपसर्ग उपसर्ग पूर्वक या अकारांत उपसर्ग के बाद, जब अकारांत उपसर्ग के बाद क्या हो, वही एंग एंग यानी ए ओ, जब अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ हो तो पूर्व व पर के स्थान पर के स्थान पर रूप आदेश हो जाता है। पर रूप क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। आप देखो इसकी परिभाषा समझते हैं क्या कि प्रथम पद क्या हो, अकारांत उपसर्ग, प्रथम पद में क्या हो, अकारांत उपसर्ग मतलब ऐसा उपसर्ग जिसमें ए हो, और द्वितीय पद में क्या हो, ए और ओ। ये है हमारी पूर्व रूप संधि। एक बार दोबारा देखो, पूर्व रूप संधि क्या होती है कि इसके प्रथम पद में क्या होना चाहिए, ऐसा उपसर्ग होना चाहिए जो अकारांत हो जिसमें ए हो, और द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, ए या ओ होना चाहिए। जैसे मैंने पहले उदाहरण लिखा था और आप लिख रही हूँ वो उदाहरण क्या, कौन सा, प्रधन
एजते, प्रधन एजते। अब देखो ये प्र उपसर्ग है और बाद में क्या है, इन दोनों में से एक वर्ण है ए, तो क्या हो जाएगा, ये पर रूप आदेश हो जाता है। पूर्व रूप संधि में हमने क्या पढ़ा था कि पूर्व रूप ये जो ए है वो क्या था, यहाँ प्रथम पद में था, इसलिए वो पूर्व रूप आदेश हो रहा है। लेकिन पर रूप संधि क्या कहती है कि पहले पद में क्या होना चाहिए, अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, और द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, इन दो वर्णों में से एक वर्ण होना चाहिए। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रेजते। ऐसे एक है अवधन एजते, अवधन एजते, एडर अव। अब ये अव उपसर्ग है, ये अकारांत, अगर यहाँ अनु होता तो ये तो क्या हो जाता, उकारांत उपसर्ग है, तो इसलिए यहाँ अनु नहीं आ सकता। यहाँ क्या आएगा, सिर्फ जिसके अंत में क्या हो, ए हो, अकारांत उपसर्ग ही आएगा, और बाद में इन दोनों में से एक वर्ण है तो क्या हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाएगा। अब इसका हम पर रूप आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवे ज ते। ये जो ए है वो इस व में मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, अवेजते रूप बन जाएगा। ऐसे हम लेते हैं ओ का उदाहरण, ओ का उदाहरण लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वही अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, तो उपधन औसति, उपोस, उपधन औसति उपसर्ग है और अकारांत है, और बाद में इन दोनों वर्णों में से एक वर्ण है, क्या है, ओ है, तो जब पूर्व पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाता है। तो जब हम प में ओ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोषति। ये हमारी स्वर संधि पूरी। अब हम स्वर संधि के बाद में क्या करते हैं, व्यंजन संधि लेते हैं। स्वर संधि के बाद में मैं एक छोटा सा चार्ट बना रही हूँ, स्वर जो हमारी संधि थी, स्वर संधि, उस स्वर संधि का क्या, कि हमने क्या पढ़ा पहले, एक बार दोबारा से शॉर्ट में, कि हमारी संधि क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए दोबारा से, कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, फिर हमने गुण संधि पढ़ी, फिर वृद्धि संधि पढ़ी, फिर यण संधि पढ़ी, फिर अयादि संधि पढ़ी, और बाद में पढ़ी हमने पूर्व रूप संधि, और एक है पर रूप संधि। अब देखो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या था, इसमें क्या था कि ए, ई, ऊ और री, री को हमने लिया नहीं था क्योंकि री का दीर्घ रूप होता नहीं है, के बाद क्या हो, समान सवर्ण, समान सवर्ण, समान सवर्ण का मतलब कि अगर यहाँ ए है तो द्वितीय पद में भी ए ही होगा, ई है तो द्वितीय पद में भी ई ही होगा। अब इस तरह हमने क्या किया था, समान सवर्ण। अब गुण संधि में क्या था कि प्रथम पद में क्या होगा, ए या आ, प्रथम पद में क्या होगा, ए या आ, और द्वितीय पद में क्या होगा, ई, ऊ, री और ली। ये होने पर क्या हो जाएगा, ई का ए, ऊ का ओ, री का और ली का अल आदेश हो गया था। ये संधि गुण संधि। अब आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या था कि ए या आ के बाद क्या होना चाहिए, ए ओ आई आउ, आई आउ, तो इसका वृद्धि आदेश, मतलब ए आई के स्थान पर आई और ओ आउ के स्थान पर आउ वृद्धि आदेश हो जाता है। ऐसे ही हमारी यण संधि आई थी। यण संधि में क्या था कि जब, अब देखो ये तीनों संधि मैंने आपको पहले ही बताई, एक बार दोबारा बता रही हूँ क्या, कि इन दोनों, ये तीनों संधि हैं, इनके दोनों पदों में संधि कार्य होता है, लेकिन ये दो संधियाँ हैं उसके एक ही पद में कार्य, संधि कार्य होता है, जैसे ई, ऊ, री और ली के बाद असमान स्वर वर्ण। असमान क्या,
स्वर वर्ण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, सूत्र था इको यणची, ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल आदेश हो जाता है। ऐसे ही है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या था, एच ओ ए वाया वह, कि प्रथम पद में क्या हो, ए ओ आई आउ, और द्वितीय पद में वही असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। द्वितीय पद में क्या था, असमान स्वर वर्ण। अब एच ओ ए वाया वह सूत्र याद है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए, ओ का ए, आई का आई और आउ का आव व्रत, सॉरी अयादि संधि आव आदेश हो जाता है। पूर्व रूप और पर रूप में हमने पढ़ाई है अभी, क्या कि पूर्व रूप का सूत्र क्या है, प्रथम पद में क्या हो, ए ओ, और द्वितीय पद में ऋष्व स्वर, ऋष्व स्वर ए होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप आदेश, पूर्व रूप आदेश। और पर रूप संधि में क्या हुआ था, कि अकारांत, अकारांत उपसर्ग क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। और द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, ए और ओ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संधि सहकार्य क्या होगा, कि पर रूप आदेश हो जाता है। इसमें क्या होगा, पर रूप आदेश हो जाता है। और इसमें ए का अवग्रह चिन्ह ये याद रखना ही, ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अब ये हमारी हुई स्वर संधि पूरी। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि के बाद में आती है हमारी व्यंजन संधि।